अनुज, इस समय दिवाली करीब है और आमतौर पे हम ये देखते हैं कि दिवाली के समय सोने चांदी की खरीदारी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा रहता है, जी एक बिल्कुल स्वाभाविक आकर्षण जी होता है। जी लेकिन निवेश के नज़रिए से यदि हम देखें या जो कारोबारी नज़रिए से देखते हैं, क्या यहाँ से दिवाली तक आपको सोने के भाव में तेज़ी नज़र आ रही है? देखिए राजीव जी, गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे वो निवेश के लिए हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे शादी ब्याह का रीज़न हो, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं सब में आदमी गोल्ड परचेज करता है। हालांकि प्रॉपर्टी एक दूसरा एवेन्यू है, मगर वहाँ प्रॉपर्टी में उतने रिटर्न नहीं मिले हैं, तो आदमी या इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ ज़्यादा आता है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो गोल्ड करीबन 2-2.5% का रिटर्न उनको आराम से दे देता है। और इस बार तो काफ़ी अचंभा रहा है कि गोल्ड ने MCX में और फिजिकल मार्केट में नए हाईज बनाए हैं। करीबन 6 साल के सर्कुलेशन के बाद, 6 साल के एक मॉडरेशन के बाद भाव ऊपर आते हुए निकले हैं, और ऑलमोस्ट करीबन 40,000 आप मान लीजिए कि गोल्ड ने फिजिकल मार्केट में टेस्ट किया है। उसके पीछे रीज़न रहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी या इंटरनेशनल मार्केट में जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन थे वो रहे। बट अब जो निवेश के लिए गोल्ड सामने आया है, ये एक काफ़ी वर्चस्व का रहा है। और गोल्ड देखें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की पहली पसंद रही है। और अब हम लगता है कि अब अगर हम इस दिवाली तक भी बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड अभी देखें तो करीबन 38,000 के आसपास चल रहा जी है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अगर इस दिवाली तक भी लोग परचेज करते हैं तो ये उनके लिए एक डिस्काउंट माना जाएगा, क्योंकि 40,000 का रिटर्न देख कर आए हैं तो ऑलमोस्ट 2,000 रुपये गोल्ड नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गोल्ड का भाव जो है वो अभी भी अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए। लेकिन यहां से दिवाली तक क्या भाव देखते हैं आप? देखिए अभी क्या है, एक्चुअली इस बार इम्पोर्ट जो है गोल्ड का करीबन 50% डाउन है अगर हम देखा जाए तो। और दूसरी तरफ यहाँ पे दो इवेंट है, एक तो दिवाली है, साथ में आगे शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म देखें, अगर हम आने वाले सिर्फ 1 हफ्ते की बात करें, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में यहाँ से 400-500 रुपये की तेजी यहाँ पे दिखा सकता है। मीन्स 38,500 हो जाए, 39,000 तक हो सकता है जी, एक दिवाली के खरीदारी के तौर पे। हालांकि अगर हम आगे देखें, क्योंकि दिवाली का के बाद शादी का सीजन भी रहेगा और इंटरनेशनल मार्केट में क्रिसमस भी है, और जी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्लेटिनम और पैलेडियम सबके भाव बढ़ रहे हैं ऊपर, तो एक सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो अभी मुझे आपने लगता कहा कि 40,000 के भाव हम देख करके आए थे, वहां से 2,000 का डिस्काउंट ही एक तरह से मिल रहा है। जी लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में होगा, अरे अभी 4 साल पहले ही तो 25,000 का भाव आ गया था जी और वहां पर हमने खरीदा या नहीं खरीदा, छूट गई बस उसमें, जो भी हुआ। अब उनके मन में लग रहा है कि जो चीज हम 25,000 या 26-27,000 पर छोड़ कर आए, अब 40,000 या 38,000 पर कैसे खरीद लें? फिर से भाव घटेगा तब खरीदेंगे, ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा। देखिए ये क्वेश्चन जब गोल्ड का भाव 25,000 था तब भी था, जब 20,000 से 25,000 हुआ था, और ये क्वेश्चन जब 25 से 30 हुआ था तब भी था, और 30 से जो 40 की छलांग लगाई है तब भी है, राइट? तो ये क्वेश्चन गोल्ड के लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि लेकिन क्या उनके मन में जो एक बात है कि अगर भाव कुछ नीचे आए, क्या आपको लगता है कि अभी जो ये 38-40 का दायरा है, इससे कुछ और एक ठीक ठाक मीनिंगफुल गिरावट इसमें, मतलब एक जिसमें उन्हें लगे कि जी हाँ भाव और घट गया आप खरीद लेते हैं, वो कंफर्ट वापस उन्हें कभी मिलेगा या अब उसका इंतजार करना बेकार है? देखिए जब गोल्ड 25,000 या 30,000 रुपये था, तब भी हम ये कहते थे कि आप गोल्ड में निवेश करें। अगर आपको लगता है कि रेट ज़्यादा है तो आप स्टैगर्ड फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कि आपको अगर 100 रुपये लगाने हैं गोल्ड में तो आप 20-30% करके स्टार्ट करें। क्योंकि गोल्ड के लिए हमने देखा है कि जो रेट है वो जब भी अगर हम 4 या 5 साल के बाद देखें तो वो रेट देखने को नहीं मिलता है, ये एक ऐसा हिस्टोरिकल रहा है। हालांकि क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर हम देखते हैं, और ग्लोबल की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत बड़ा कंसर्न है, पॉलिटिकल डेटाज बहुत बड़े कंसर्न है, इकोनॉमिक डेटा बहुत बड़े कंसर्न है, तो और ये उथल पुथल रहने वाली है, राइट? तो जब भी ये रहेगी तो आपका गोल्ड का भाव बढ़ेगा। तो तो मुझे लगता जो है एक कि लंबे अवधि का निवेशक हो, वो इस दशहरा का समय तो निकला, अब दिवाली धनतेरस के समय खरीदारी कर ले अपने ठीक ठाक, या बाद में साल के बीच में कभी भी जब भाव थोड़ा और नरम रहे तब खरीदारी का इंतजार करे? देखिए स्टैगर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया कि स्टैगर्ड फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट निवेश कर सकते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म का भी नहीं है कि आप 20-30% अभी इन्वेस्टमेंट करें, 38,000 का रेट है, 40,000 से नीचे आया रेट, तो वो एक रेट अच्छा है 38,000 के आसपास कर सकते हैं। यहाँ से अगर भाव 35,000 तक जाए तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गोल्ड सवाल के तो यही है अंदर, ना, 35,000 जाएगा क्या? मैंने पूछा तो यही। देखिए 35,000 गोल्ड आना भी नामुमकिन है फिलहाल, अभी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है 35,000 आना। हालांकि हो सकता है कि जब भी इवेंट खत्म होंगे तो एक बार मार्केट डिप ले, क्योंकि जब भी हम गोल्ड सिल्वर में देखते हैं तो जब भी गोल्ड डिप लेता है तो रिकवरी भी उतनी फास्ट करता है, राइट? तो आप अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप उस पर फोकस रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप छोड़ देंगे, चल ठीक है 35,000 रहेगा तो आप छोड़ देंगे उसको, वेट करेंगे जैसे लास्ट टाइम लोगों ने किया,
लोगों ने कहा कि ठीक है 25,000 आएगा तो हम खरीदेंगे, और 25,000 आया भी था, इसके बाद 25,000 भी आया, लोगों ने कहा चल अब ये 20,000 जाएगा, बट वो 25,000 से वापस 32,000, 32,000 से फिर 40,000। तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर क्या है कि जो आमतौर पर लोग गहनों की खरीदारी करते हैं उस फॉर्मेट में खरीदें, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में खरीदना ज़्यादा बेहतर है, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो अभी एक सीरीज 5 अभी निकली, सीरीज 6 आने वाली है, वैसे किसी विकल्प को चुने? देखिए ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ज्वेलरी इज अ काइंड ऑफ यूज, आपको यूज करना तो आप ज्वेलरी खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट होता है या तो आप बार लें राइट, या फिर आप जो गोल्ड के बॉन्ड्स हैं उसको लें, या फिर आप गोल्ड के ETFs को परचेज करें। तो अगर आपको यूज करना है तो आप ज्वेलरी कभी भी ले सकते हैं जी, बट आपका फोकस इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेशक का फोकस इन्वेस्टमेंट के लिए है तो उसको बार में जाना चाहिए। बार हो सकता है रखने में उसको प्रॉब्लम हो, तो बेटर है कि जो गोल्ड के बॉन्ड्स हैं उसको इन्वेस्टमेंट करें, या गोल्ड के ETF फंड में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर वो उसको डीमैट में रख सकता है। और डीमैट में रखने का मतलब ये कि आप डीमैट में रख रहे हो तो आप बाद में उसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो राइट। तो ये दो प्रोडक्ट है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम 5 साल 8 साल 10 साल की बात करें तो इसके भावों का रुझान किस तरह का आप देखते हैं, कहां तक जाता है वो देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि अगर हम ऑन एन एवरेज बेसिस देखें तो मुझे लगता है कि 5 साल में गोल्ड एटलीस्ट 45,000 तक आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं हम, इकोनॉमिक सिनेरियो देख रहे हैं, फेड कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, ECB ने भी इंटरेस्ट रेट स्टैग्नेंट रखे हैं, और जितनी भी मेजर इकोनॉमी है चाहे कनेडियन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो चाहे आपकी जैपनीज हो, सभी इंटरेस्ट रेट कट के फॉर्म में हैं इस टाइम। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो गोल्ड का रेट है वो हमें लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि अभी भी और आगे भी बना रहेगा, और तीसरा जो मना मेन चीज़ है वो है पॉलिटिकल सिनेरियो। जितनी भी अगर आप मेजर इकोनॉमी देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जो कि सबसे बड़ा एक सपोर्ट गोल्ड को प्रोवाइड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर आने वाले समय में आपको 45,000 तक 5 साल की अगर हम बात करें तो आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।